वेलकम बैक टू द 18th गेम प्ले ऑफ GTA Vice City। यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉमी ने सारे गंदे काम, सारे जो कुत्ते काम थे सारे वो छोड़ के टॉमी ने एक शरीफों वाली जिंदगी शुरू कर दी और टॉमी ने अपना एक नया टैक्सी वाला कारोबार शुरू किया। दरअसल टॉमी की जो मंगेतर थी मर्सिडीज, उसने टॉमी को वास्ते दिया कि टॉमी प्लीज तुम ये जो गंदे काम है ये छोड़ दो, मार कुटाई वाला है, मार दाड़ वाला काम छोड़ दो। यहाँ पर आपको एक फुल बॉलीवुड सीक्वेंस देखने को मिलता है कि टॉमी ने उसके कहने पे तमाम के तमाम काम छोड़ दिए हैं और अपनी हक हलाल की टैक्सी इस इलाके में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन 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 यहाँ पे कुछ बदमाश और चोर उचक्के लोग हैं जिनकी टैक्सी, मतलब जिन लोगों की टैक्सियों ने आवाम से बेवजह किराया वसूल करते हैं। तो टॉमी को अब ये काम करना है कि उन तीनों टैक्सियों को अपनी राह रास्ते से हटाना है। तो टॉमी ने भाईजान पहली टैक्सी को तो पकड़ ही लिया है। अब पहली टैक्सी को देखते हैं टॉमी कैसे जो है वो फना करता है। दरअसल टॉमी जो सा है वो बॉलीवुड का हीरो है। टॉमी कोई भी गलत काम अपनी आंखों के सामने ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी आंखों के सामने कोई भी गलत काम हो। दरअसल टॉमी के अंदर एक सनी देओल की जो है वो आत्मा है और जो टॉमी है वो नहीं चाहता कि इसके इलाके में कोई भी टैक्सी वाला फजूल का किराया उनकी आवाम से वसूल करे। और वैसे भी टॉमी को इस बात का ख्याल है कि भाईजान ये नया पाकिस्तान है और नए पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है तो आवाम इतना ज़्यादा किराया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो टॉमी ने भाईजान आओ देखा रहता हो एक टैक्सी वाले को इस दुनिया से टिकट ली, आला क्वालिटी के बिजनेस क्लास में इस दुनिया से इसको रवाना कर दिया अगले जहान के अंदर। और अब टॉमी जो अगली दो टैक्सियाँ हैं वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाके टॉमी उनके बजाएगा पोंगी। ओह माय गॉड, ओह या। तो भाईजान टॉमी ये अपनी मतलब फुल एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखा है और टॉमी को दो टैक्सी वाले जो से हैं, फॉर एग्जांपल एक टैक्सी वाला इसको अभी तक मिला। तो टॉमी ने भाईजान राइट साइड के शीशे से उन पर फायरिंग करना जो है वो बिल्कुल शुरू कर दिया है। दोनों टैक्सी वालों ने टॉमी की टैक्सी को बिल्कुल मतलब रोड के सेंटर पर गिर लिया। और यहाँ पर मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का वो सीन याद आ जाता है जहाँ पे टॉमी वो डोमिनिक ट्रेटो जो है उसको उसके चारों के चारों साथी जो से हैं वो घेर लेते हैं और चारों तरफ से रस्सियां डाल देते हैं। यहाँ पर टॉमी ने एक टैक्सी जो थी वो तबाह कर दी और अभी बारी है दूसरी टैक्सी की। और यस, और टॉमी को ये जो मिशन था ये होता है कामयाब क्यों। टॉमी जो है अपने पूरे $2,000 के साथ जाने वन अपने टैक्सी वाले मिशन, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड जहाँ पर टॉमी ने नया अड्डा खरीदा है अपने टैक्सी का, वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाके अगले मिशन देखता है कि भाई अगला मिशन क्या है। ओ टैक्सी वाले बाबू मुझे खन्नापुल पहुंचा दो, टैक्सी वाले बाबू मुझे खन्नापुल पहुंचा दो, टैक्सी वाले ओ बाबू मुझको खन्नापुल पहुंचा दे, ओ टैक्सी वाले बाबू। और यहाँ पे आता टॉमी अपने दोबारा उसी अड्डे के अंदर। यहाँ पर टॉमी बैठता है गाड़ी के अंदर, उसको पता लगता है कि उसकी मंगेतर यस मर्सिडीज जो है उसको ले के आना है एक जगह से। और उसको एक जगह का पता भी बताया जाता है कि टॉमी वहाँ पर जाएगा और वहाँ से अपनी जो मंगेतर है उसको उठाएगा। तो टॉमी भी एकदम फिर जो बॉलीवुड के हीरोज़ की तरह टॉमी ने अपनी मंगेतर के लिए गाड़ी को एकदम फुल एक्सीलरेटर में मंडा हुआ और वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पर टॉमी को ये बताया गया है कि भाई उसकी मंगेतर वहाँ है और वहाँ से जाकर टॉमी को उठाना है। यहाँ पर टॉमी की गाड़ी में एक गाना भी लगा हुआ है, ये है गाना तू ना जावे माही तेरे मैं कोल कोल वसा, आ जावे माही तेरे मैं कोल कोल वसा, तेनु सामने बिठा के अखा अखा विच पा के दसा दिल दिया गल्ला, आप ना जाए माही आपके मैं पास पास वसूं, आप ना जाए माही आपके पास पास वसूं। और टॉमी भाईजान पहुंच गया उस जगह पे जहाँ पे उसकी मंगेतर को भाईजान उन गुंडों ने, मतलब यहाँ पे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर टॉमी को धोखे से बुलाया गया, यहाँ पे उसकी मंगेतर है ही नहीं। और जो ही टॉमी यहाँ पर आके हॉर्न देगा ओह माय गॉड, भाईजान पीछे से जो है अभी यहाँ पर मर्सिडीज़ का कोई भी साइन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर मर्सिडीज़ तो नहीं अलबत्ता 4-6, 5-6 जो टैक्सी हैं वो लाजमी यहाँ पर आ गए, किसी टैक्सी के बच्चे ना उड़ते। यहाँ पर आकर टॉमी को फुल मतलब बॉलीवुड का जो सीन है एक बार फिर रिवाइज होगा और बॉलीवुड का नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी। और यहाँ पर टॉमी को भाईजान जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के सीन में वो जो टॉमी डोमिनिक टोरेटो के जो लोग होते हैं जो उसके साथी होते हैं वो डोमिनिक टोरेटो कैच करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर फुल भाईजान सीन जो है वो रिवाइंड हो रहा है। और यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं वो टॉमी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और टॉमी को यानी डोमिनिक टोरेटो को इनका मुकाबला पूरे 1 मिनट तक करना है। तो कि अब देखेंगे क्या टॉमी इनका मुकाबला 1 मिनट तक कर सकता है कि नहीं। यस यू मतलब ओ माय गॉड, ये जो छोटी वाली गाड़ी है तो चढ़ चढ़ के आ रही कुत्ती की बच्ची। और यहाँ पे आप देखेंगे टॉमी का जो गाड़ी है वो एकदम
आपको ये गाड़ी देख के कौन सी गाड़ी याद आई है, यस फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के जो पहला सीन होता है उसके अंदर डोमिनिक की गाड़ी जो सी है बिल्कुल सेम टू सेम उसकी लुक होती है, उसका भी आगे से बोनेट उस बम्पर शम्पर सारा कुछ उतरा होता है और उसका आगे से इंजन जो है वो नज़र आ रहा था, और टॉमी की जो गाड़ी है उसका भी सेम टू सेम जो है वो सीन यहाँ पर बना है, और काला धुआं टॉमी के टैक्सी की गाड़ी से भी निकल रहा है। तो भाई जान यहाँ पर टॉमी ने शरीफ बनने की कोशिश की, लेकिन आवाम जो है वो शरीफ रहने नहीं देते, क्या खूब कहा है शाहरुख खान ने कैसा लाम शरीफ क्या हुआ है पूरी दुनिया बदमाश बन के। तो यहाँ पर भाई जान जो काली पीली टैक्सी थी, यस जो टाइगर जो मतलब ये जो नकली टाइगर की खाल चढ़ाई है इसके ऊपर, ये वाला टैक्सी वाला उन सब का जो बाप है वो आया टॉमी के पास, और टॉमी ने क्या कहा कि भाई जान इसको क्या करना है, इस टाइगर की ऐसी मारनी है कि इसकी बंदर से भी ज़्यादा सुर्ख हो जाए। तो यहाँ पर टॉमी ने अपनी मतलब वहीं से उसने जो स्ट्रैटेजी थी मतलब राइट हैंड निकाला शीशे से बाहर, और इस गाड़ी वाले को मतलब अभी हम गोलियों से भून के रख देंगे। तो यस एक उस बंदे ने हमारे सामने जो है गाड़ी का जो है जो डायरेक्शन थी वो सीधी कर दी, और अब देखना पड़ेगा क्या ये साला चक्कर इस तरह गाड़ी जिस तरह वैसे शादी, अबे सात चक्कर पूरे करेगा तो शादी हो जाएगी हमारी, इस तरह मत कर। यह तो भाई जान टॉमी ने भाई लेफ्ट हैंड से फायरिंग करके, टॉमी लेफ्ट हैंड से काफ़ी गंदे गंदे काम करता है आई नो, यस टॉमी के लेफ्ट हैंड में ताकत नहीं है, लेकिन टॉमी ने लेफ्ट हैंड से फायरिंग करके भाई जान उसकी गाड़ी तबाह कर दी, और जहाँ पे यह टैक्सी वाला जो पूरा का पूरा मिशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और टॉमी की जो हलाल की कमाई थी वो हमें यहाँ से मिलेगी, अब पूरे $5,000 पर डे हमें यहाँ से वसूल होगा। ओह यस, तो टॉमी ने आखिरकार वाई सिटी के इस टैक्सी वाले जो इसका स्टैंड था टैक्सी स्टैंड वहाँ पर भी टॉमी का आप कब्जा हो चुका है, टॉमी को इस मिशन के पूरे $5,000 मिले हैं। तो अगर आपको ये आज का जो गेम प्ले ये पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड शेयर एंड एवरीथिंग यू कैन डू।